साथियों, अगर आप अपने बंधन बैंक अकाउंट में अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिंक कर सकते हो, कौन सा फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट बैंक की रिगार्डिंग में आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने बंधन बैंक अकाउंट के आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हो, रजिस्टर करवाना चाहते हो, आधार कार्ड को अपने अकाउंट के साथ लिंक करवाना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में ही मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर एक बार आपको दिख रहा होगा क्या, टू द ब्रांच हेड बंधन बैंक, आपको ब्रांच का नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच का नाम है आपके पासबुक में दिया गया होगा, ब्रांच कोड आपको दिया गया होगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख देना है। डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। यहाँ पे आपको कस्टमर नाम लिखना है जिस नाम से आपका खाता खुला हुआ है, सही सही नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। CIF ID बहुत प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है, आपकी पासबुक में दी गई होगी। अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से, जो भी अकाउंट नंबर है आपकी पासबुक में दिया गया होगा। तो इस तरीके से आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आप फिल कर चुके हो। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे भाई? तो डॉक्यूमेंट तो फिलहाल आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है और एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी पहले से ही करके रखवा लेनी है। चलिए अब बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम की भाई। प्रॉब्लम क्या है हमारी? आधार कार्ड नंबर अपडेट कराना है। क्या कराना है? आधार कार्ड नंबर अपडेट कराना है। यहाँ पर आपको टिक लगाना है और आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फिल कर देना है। इसके अलावा कोई और समस्या है, कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको दूसरे वाले पेज पर आ जाना है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डेट। डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। प्लेस आपको एड्रेस फिल कर देना है सही सही। कस्टमर सिग्नेचर आपको यहाँ पे वही सिग्नेचर करनी है जो कि आपके खाते में लगे हुए हो। अगर आपको नहीं पता कि आपके खाते में कौन से सिग्नेचर लगे हैं तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बहुत प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करा लेना है अपने बैंक के एम्प्लॉय की मदद लेकर। आधार कार्ड से आपके सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएंगे, फिर सही सही सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देने हैं। तो इस तरीके से साथियों, यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत प्रॉपर तरीके से आपको अब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट में आपको आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो ना आप भाई। आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो, आधार कार्ड रजिस्टर करवा रहे हो अपने खाते के साथ, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है, एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है और इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय दे देना है। वो कहना कि सर मेरा आधार कार्ड मेरे अकाउंट के साथ लिंक कर दीजिए, आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।